Let's do question number 2 of exercise 3E, that is linear equation 2 variable. Question number 2 is 23 spoons and 17 forks together cost rupees 1770. Iska matlab hai 23 spoons of 17 forks ki cost hai hamari 1770. While 17 spoons lekin 17 spoons and 23 forks together cost rupees 1830. Lekin 17 spoons and 23 forks ki cost hai hamari 1830, right? Find the cost of a spoon and that of a fork. Hame cost nikalni hai spoon ki aur fork ki. To kaise karenge? Hum cost of spoon aur fork ko x or y maan lete hain. To cost of spoon is x and cost of fork is y, right? अब हमने x और y मान लिया है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, 23 spoons, spoons को x माना, तो 23x and 17y together, together means plus, तो 23x plus 17y is equals to 1770, तो हम देखिए, लिख लेते हैं, first equation अपनी, 23x plus 17y is equals to 1770, ये आ गई हमारी first equation. Second equation क्या आई? Second equation आएगी, while 17 spoons, 17x spoons को x माना था, 23y together, together means plus, तो 17x plus 23y is equals to 1830, तो हमने लिख लिया 17x plus 23y is equals to 1830. ये आ गई हमारी second equation. अब ये आ गई हमारी दोनों equation. तो हम वही जो रूल करते थे कि कोई भी एक coefficient equal कर लेते हैं. तो मैं equation 1 को 17 से और equation 2 को 23 से multiply कर देती हूँ. आप चाहें तो दूसरा method भी apply कर सकते हैं, जिसमें हम एक बार इक्वेशन को प्लस और माइनस करते थे, जो हमने 3C में देखा था, वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो लेकिन मैंने यहाँ पे ये कर दिया. अब देखिए यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ, 23 इंटू 17 इज 7, 3s आर 21, 2 कैरी, 7 2s आर 14, 15, 16, 3 एंड 2, तो ये कितना आ गया, 1, 9 एंड 3, तो ये आ गया 390 1x plus 17 into 17 is 289 होता था, फिर भी कर लेते हैं, 7 ones are 7, 8, 9, 10, 11 into 7 and 1, या 289 plus 289y equals to, यहाँ से 0 as it is लग जाएगा वो, तो 177 को 17 से multiply कर रही हूँ, 177 into 17, तो ये आया 7 7s are 49 7 7s are 49 50 51 52 53 5 carry 7 1 7 8 9 10 8 9 10 11 12 आ गया, और ये आ गया 7 7 and 1, तो ये कितना आ गया, 9 10 carry 1 10 carry 1 and 3, तो ये आ गया 3 0 0 9. और ये देखिए यहाँ पे एक जीरो, ये वाला, ये तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन ये जीरो रह गया था, तो ये वाला जीरो. अब इसी तरीके से देखिए 391 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 23 into 17 is 391 प्लस 23 into 23, देखते हैं कितना आएगा, 23 into 23 is 3 3s are 9 3 2s are 6, 2 3s are 6 and 2 2s are 4, तो यह 9 12 and 5, तो यह 529y equals to 183 into 23, that is 3 3s are 9 3 8s are 24, 2 carry 3 1s are 3 4 5, 2 3s are 6 2 8s are 16 carry 1, 2 1s are 2 and 3, तो ये कितना आ गया, 9 10 carry 1 12 carry 1 4, तो यह 4209, और एक जीरो ये वाला
राइट। अब साइन चेंज किए क्योंकि साइन सेम है, तो हमारा ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 529 है और प्लस का ये है, तो ऑपोजिट साइन हो गए, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लग जाएगा। तो ये आया माइनस का 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया इज 4, एंड 4 में से 2 गया इज 2y इक्वल्स टू माइनस 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 गए 0, 0 में से 0 गए अगेन 0, 2 में से 0 गए 2, एंड 4 में से 3 गया 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया, ये आ गया 12,000 डिवाइडेड बाय 240। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 वन ज़ा 12, 0 0, 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। तो y कितना आ गया, 50। तो y इज इक्वल्स टू 50। नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी, 23x प्लस 17y, 23x प्लस 17y, y की जगह हमने 50 रख दिया, इक्वल्स टू 1770, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 23x प्लस 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 इक्वल्स टू 1770। तो ये कितना आ गया, 23x इक्वल्स टू 1770 माइनस 850। तो 23x कितना आ गया, दैट इज 0, 7 में से 5 गया 2, 17 में से 8 गया इज 9। तो x कितना आ गया, 920 डिवाइडेड बाय 23, तो कितना आया देखते हैं, 23 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 23 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 8 and 9 गया, 23 4 और 0 एज इट इज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब हमने x किसे माना था, x देखिए हमने स्पून को माना था, तो स्पून आ गए हमारे, कॉस्ट ऑफ स्पून आ गई हमारी, कॉस्ट ऑफ स्पून आ गई हमारी रुपीस, वन स्पून की कॉस्ट रुपीस 40, एंड कॉस्ट ऑफ वन फॉक की कितनी आ गई, वन फॉक की कॉस्ट आ गई हमारी रुपीस 50 इज द आंसर।